वेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के 8वें दिन के यानी कि डे 8 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वो भी वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग चाइना। वेल फ्रेंड्स, उस सब को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एवेंजर्स एंड गेम बिकम्स द सिक्स्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, बीटिंग एवेंजर्स। यस फ्रेंड्स, एवेंजर्स जिसने 1.52 बिलियन की कमाई की थी जब वो रिलीज हुई थी, उसको बीट करके अब एवेंजर्स एंड गेम बिकम्स द सिक्स्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। आज वो इंडिया में द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉलीवुड फिल्म बन गई है। अगर आपने सुबह का एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अब गाइज वो कल बीट कर देगी जुरासिक वर्ल्ड को एंड विल बिकम द फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन वर्ल्ड सिनेमा। जुरासिक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 1.67 बिलियन, और मुझे लगता है ये हफ्ता खत्म होते होते यानी कि फ्राइडे आने से पहले ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक भी पहुंच जानी चाहिए। ओके गाइस, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब तक यानी कि डे 8, वेल फ्रेंड्स ये 8वां दिन चल रहा है एवेंजर्स एंड गेम का वर्ल्ड वाइड में, एंड गाइस चाइना में मैं आपको 9वां दिन का कलेक्शन बताऊंगा जो कि आज का दिन है। माइंड यू, ये फिल्म वेडनेसडे को रिलीज हुई थी। ओके गाइस, यानी कि 24 तारीख को रिलीज हुई थी। सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज इस फिल्म का 9वां दिन है। चाइना के कलेक्शंस सेम डे आ जाते हैं, बाकी सारी प्रांतों के कलेक्शंस एक दिन के बाद आते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अब तक जो कलेक्शन है एवेंजर्स एंड गेम का 8 दिनों में वो है 1.66 बिलियन। यस मेरा भाई, 1.66 बिलियन डॉलर्स कमा लिया इस फिल्म ने। अगर हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करना हो तो ये होगा 11,545 करोड़। 11,545 करोड़ इज व्हाट एवेंजर्स एंड गेम हैज अर्न इन जस्ट 8 डेज एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। टेक इट, कैन यू बिलीव इट गाइस, दिस इज हिस्टोरिकल। और बात करें इसके डोमेस्टिक की तो वेल फ्रेंड्स, डोमेस्टिक में इस फिल्म ने कमाए है 452.3 मिलियन US डॉलर्स। यस फ्रेंड्स, 452.3 मिलियन US डॉलर्स को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो वो होता है 3,144 करोड़ रुपए। यस फ्रेंड्स, 3,144 करोड़ इसने अपने डोमेस्टिक में किया है। डोमेस्टिक में इट्स नॉट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, अच्छे कलेक्शंस जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसने 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन यानी के डोमेस्टिक के बाहर, नॉर्थ अमेरिका यू नो यूएसए के बाहर इसने कमाए हैं 8,401 करोड़। रोज रोज ये ऑलमोस्ट हजार करोड़ का बिजनेस कर रही है आउटसाइड अमेरिका। एंड गाइस बात करें चाइना की, चाइना में इस फिल्म ने 508.63 यानी कि 508.63 मिलियन, जिसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो होता है 3,353, मेरी हिंदी इंग्लिश पूरा जंबल हो रही है, 3,353 करोड़ रुपीज इज वॉट इट हैज अर्न इन चाइना। वेल फ्रेंड्स, आने वाले दिन बहुत एक्साइटिंग होंगे, ये रिकॉर्ड तोड़ते जाएगा। अब जब इसकी टक्कर शुरू होगी टाइटैनिक और अवतार से, तब मेरा भाई मजा आएगा। अब क्या ये वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये हम एक अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एवेंजर्स एंड गेम आफ्टर डे 8 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इज 11,545 करोड़, 11,545 करोड़। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया मोस्ट वांटेड का ट्रेलर आया है, रिव्यू नहीं देखा, यहाँ पर रिव्यू है वो देखिए। उसके बाद अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम के आज के इंडिया कलेक्शन नहीं देखे तो वो भी आ गए हैं, उसे यहाँ पे देखिए। और अगर आपने अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे का गाना का रिव्यू नहीं देखा है तो ये यहाँ पर है, वो भी देख लीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, Stay cool, man.